देखो बेटा, जे पूछरी को लौटा आए गए है, जब ते भगवान कृष्ण यहाँ बैठाए गए तब ते यहीं बैठो है। पूछरी के लौटा ली जय। ला भुआ, भोग लगाए के औरू मंदरन में है आऊं। ला जल्दी ठहर जा, जाने काय काय के हाथ है, दोनों हाथों धोया हो जाएगा। चल चंदा, हाथ धोया मैं और भुआ के ताई नेक से बेर तोड़ला मैं। बन्नो, भुआ को तेने खूब बनाया। देख ले, अब खूब मौको लगेगा डोलुए को। देख चंदा जी, गोर्धन बाबा को जतीपुरा वारो मुखारविंद है, यहाँ श्रीनाथ जी शयन कर बे आमे। गिरिराज जी पे दूध चढ़ा में, फिर जलते स्नान करा में, तरन सोन को नहला में, लड्डू बर्फी भूख लगा में, सब भक्तन के मन को भावे, गिरिराज जी प्रसन्न है जामे। देख चंदा जी, जो गांव दिखाई पड़ रहे हो ना, जी जतीपुरा है, और जी बीच में गोर्धन बाबा विराज रहे हैं, और वो पलंग को जो दिखाई पड़ रहे हो ना, वो आनौर है। कितना सुंदर गांव है जी। वो स्थान है जहाँ इंद्र ने पूजा करी। अच्छा? और यहाँ हर साल 56 भोग लगे। कैसी कैसी सुंदर जगह पड़ी रास्ता में। हाँ। आनंद ही आ गया। हाँ। जी कौन सी जगह है? कुसुम सरोवर है जी, देख कितनी खूबसूरत जगह है। ये भागवत की कथा है रही है, ये पंडित जी है ना, बड़े अच्छा? नामी पंडित जी हैं। चल हम उन्हें एक देर सुन लें। आओ चल। हाँ, आज विदेशन में हूँ, विदेशी लोग भगवान श्री कृष्ण को अपनो इष्ट मानवे लगे हैं, वाही पे प्रभावित है के एक विदेशी कन्या मेखला यहाँ आई भई है, जो श्रीमद् भागवत और योग के ऊपर अनुसंधान कर रही है। आज मैं भागवत के दशम स्कंद को वर्णन कर रहा हूँ। एक दिन भक्तन की प्रार्थना पे श्री कृष्ण ने कामदेव के गर्भ को चूर करवे के ताई रास की रचना करी।